नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और आज से एक ऐसा मौका आ रहा है आपके पास, एक ऐसा अवसर आ रहा है आपके पास, जिस मौके में, जिस अवसर में आप अपनी धन प्राप्ति की तमाम मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। आखिर गुप्त नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए क्या उपाय किए जाएं, क्या प्रयास किए जाएं जिसका फायदा मिले और धन की हमारी मुश्किलें दूर हो जाएं, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आखिर ये गुप्त नवरात्र होते क्या हैं? गुप्त नवरात्र का धन से आखिर क्या संबंध है और गुप्त नवरात्रि पर अगर आप धन का वरदान पाना चाहते हैं, धन की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। इसके अलावा आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और आप जान पाएंगे कि आज का शुभ पहर दरअसल क्या है। सबसे पहला सवाल यही पैदा होता है मन में कि आखिर ये गुप्त नवरात्रि होती क्या है और गुप्त नवरात्रि अगर है तो इसका धन प्राप्त करने से क्या संबंध है और कैसे गुप्त नवरात्रि में उपाय करके हम धन पा सकते हैं। देखिए, सामान्यतः हम लोग वर्ष में पड़ने वाले दो नवरात्रों के बारे में जानते हैं। एक होता है चैत्र नवरात्र या वासंतिक नवरात्र जो तकरीबन अप्रैल में पड़ता है और एक होता है आश्विन नवरात्र या शारदीय नवरात्र जो तकरीबन अक्टूबर में पड़ता है। ये दो नवरात्रि हम ज़्यादातर जानते हैं और इस नवरात्रि का पालन करते हैं, लेकिन इसके अलावा दो और नवरात्र भी हैं और बाकी जो दो नवरात्र हैं इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है, विशेष कामनाएं पूरी की जाती हैं। चूंकि इसका ज्ञान कम लोगों को है, इसका प्रभाव कम लोगों को पता है, इसका प्रभाव छिपा हुआ है, इसीलिए इसको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त माने जो गोपनीय हो, जिसके बारे में जानकारी ना हो, गुप्त नवरात्र इसको कहते हैं, क्योंकि इसका जो प्रभाव है, जो असर है, इसकी जो जानकारी है वो कम लोगों को है। वर्ष में दो बार गुप्त नवरात्रि आती है। एक आती है माघ शुक्ल पक्ष में यानी जनवरी के समय के आसपास और एक आती है आषाढ़ शुक्ल पक्ष में यानी जुलाई के आसपास। इस प्रकार साल में चार नवरात्र हो गए, एक जनवरी में, एक अप्रैल में, एक जुलाई में और एक अक्टूबर में। ये चारों नवरात्र अगर आप देखें तो ये ऋतु परिवर्तन के समय मनाए जाते हैं। जनवरी वाला नवरात्र धीरे 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 सर्दियां खत्म होती हैं उस समय मनाया जाता है। अप्रैल वाला नवरात्र गर्मी की शुरुआत के समय मनाया जाता है। जुलाई वाला नवरात्र वर्षा की शुरुआत के समय मनाया जाता है और अक्टूबर वाला नवरात्र शीत सर्दी के शुरुआत के पहले मनाया जाता है। तो चारों समय जब ऋतुओं में परिवर्तन होता है, जब हमारे जीवनचर्या में बदलाव होना चाहिए, उसको ध्यान में रख करके ये चारों नवरात्रों का विधान बनाया गया है। महाकाल संहिता में और तमाम शाक्त ग्रंथों में इन नवरात्रों का महत्व बताया गया है, यानी ऐसा नहीं है कि ये काल्पनिक है, इसकी महिमा का जो वर्णन है वो हमारे शास्त्रों में किया गया है। नवरात्र में विशेष तरह की इच्छा की पूर्ति होती है और सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं जिसके लिए पूजा और अनुष्ठान किया जाता है। ये चारों ही नवरात्रियां जो हैं इसमें आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, इसमें आप विशेष कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं और इसमें आप पूजा और अनुष्ठान भी कर सकते हैं। इस बार आषाढ़ महीने की जो गुप्त नवरात्रि है वो 3 जुलाई से आरंभ हो रही है
यानी आज से इसकी शुरुआत हो रही है और इसका समापन होगा 10 जुलाई को। अब इस गुप्त नवरात्रि में किसी भी तरह का तांत्रिक प्रयोग अगर आप करते हैं, किसी भी तरह का तंत्र का प्रयोग करते हैं या किसी भी तरह की तंत्र साधना करते हैं, तो गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना करना या साधना करना विशेष फलदायी होता है। विशेष रूप से अगर धन प्राप्ति के प्रयोग किए जाएं गुप्त नवरात्रि में, तो वो प्रयोग जरूर सफल होते हैं। वैसे तो गुप्त नवरात्रि में, जो मैंने आपको बताया कि 3 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक रहेगा, गुप्त नवरात्रि के अवसर पर आप कोई भी तांत्रिक प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी साधना कर सकते हैं, कोई भी उपासना कर सकते हैं, जिसका शुभ परिणाम आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। लेकिन गुप्त नवरात्रि में अगर धन संबंधी प्रयोग करें, धन संबंधी कोई दिक्कत है जीवन में, तो वो दिक्कत निश्चित रूप से दूर हो जाती है। अब आपको बताते हैं धन प्राप्ति के तमाम अचूक उपाय के बारे में। पहला उपाय, अगर आप नौकरी करते हो, अगर आप जॉब में हो और आपको धन नहीं मिल पा रहा हो, तो क्या करेंगे? गुप्त नवरात्रि में आप ऐसा करिएगा कि लाल रंग के आसन पर बैठ के माँ दुर्गा की पूजा करिएगा। लाल रंग का आसन ले आए, नहीं तो अपने आसन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और बिछा करके उसके ऊपर बैठें और माँ दुर्गा की आराधना करें। उन्हें लाल कपड़े में रख करके 2 लौंग पूरे 9 दिन तक चढ़ाइए, यानी 3 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक आपको एक लाल कपड़ा लेना है और रोज लाल उसी लाल कपड़े में 2-2 लौंग करके आपको माँ दुर्गा को सुबह के समय चढ़ाना है। ये सुबह ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो संध्या काल में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर रोज संध्या काल में ही करना होगा, और अगर सुबह करते हैं तो रोज सुबह के समय करना होगा। 2 लौंग रख करके पूरे 9 दिन चढ़ाएं, हर दिन कपूर से उनकी आरती करें, और जब नवरात्रि 10 तारीख को समाप्त हो जाए तो 11 तारीख को आप ऐसा करिएगा कि उसी लाल कपड़े में सारी लौंग बांध लीजिएगा, 9 दिन की 18 लौंग हो जाएगी। तो सारी लौंग को उस लाल कपड़े में बांध करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा या अपने धन रखने के स्थान पर रख लीजिएगा, आपके धन की जो मुश्किलें हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। ये काम आज से ही शुरू कर दीजिए और अगले 9 दिनों तक ये काम करिएगा। जब नवरात्रि समाप्त हो जाएगी तो उन लौंग को आप लाल कपड़े में बांध करके अपने धन स्थान पर या अपने पूजा स्थान पर रखिएगा। अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो आपके धन की जो मुश्किलें हैं, आपके धन की जो समस्याएं हैं, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी।